हेलो गाइस, नमस्कार। रूपम की गैलेक्सी में आप सबका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए चेहरा नया है, पर कोई बात नहीं, आप इसे बहुत जल्द पहचान जाओगे। वैसे मैं आपको आज बताने वाली हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, कैसा दिखता है, कितने हॉस्टल हैं यहाँ पे। बस तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्टल, कैसे हम पहुँचते हैं हॉस्टल, क्या नज़ारा होता है अंदर के हॉस्टल का। एक्चुअली आज मौसम भी अच्छा है, अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है, पर मौसम बहुत अच्छा था। मौसम तो बहुत सुहाना है, तो फिर मुझे एक अच्छा सा ब्लॉग बनाना है। लेट्स गो। आपको गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने के लिए इसी मेन गेट से एंट्री करनी होती है। आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये यूनिवर्सिटी का बैंक है। इसके अंदर दो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। और ये यूनिवर्सिटी की पार्किंग है। आप बिल्कुल इसी सीधी रोड पर आगे जाते जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। आप एडमिशन लेने के बाद कोई सा भी गर्ल्स हॉस्टल चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं खुद भी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल नंबर 3 में। ये यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन है। ये देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल सीधे चलते जाएंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने, गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री गेट की तरफ। आप किसी भी हॉस्टल में रहते हो, आपको इधर से ही एंट्री करनी होती है, इधर से ही एग्जिट करना होता है। ये देखिए, हम पहुँच गए। अब हम अंदर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ बगल में कुछ रजिस्टर रखे होते हैं जिस पे आपको साइन करना होता है, अपना नाम लिखना होता है एंट्री या एग्जिट करने के लिए। ये आपको हॉस्टल दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी का फर्स्ट नंबर का हॉस्टल है, सबसे पुराना हॉस्टल यही है। और इधर की तरफ हम जाएंगे, इधर आपको सेकेंड नंबर का हॉस्टल मिलेगा। ये देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हॉस्टल नंबर 2 की तरफ। और हम आ गए हॉस्टल नंबर 2 के सामने। ये देखिए, कावेरी छात्रावास, बहुत ही सुंदर हॉस्टल है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं हॉस्टल नंबर 3 और हॉस्टल नंबर 4 की तरफ। ये यहाँ पे कुछ केयर टेकर्स बैठी हुई हैं। ये देखिए, ये हॉस्टल नंबर 1 की बिल्डिंग दिख रही है आपको। अब हम अंदर की तरफ जाते हैं। हॉस्टल बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हरा भरा है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा मन लगता है यहाँ पे। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आती है। हम इंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एकदम नेचर के बीच में रहते हैं। ये देखिए, अमरूद का पेड़ भी है, हम यहाँ पे अमरूद भी तोड़ते हैं। ये यहाँ आम का पेड़ है, हम आम भी तोड़ते हैं गर्मियों के मौसम में। और अब हम आ गए हैं हॉस्टल नंबर 4 के सामने। ये देखिए, हॉस्टल नंबर 4 है ये। ये देखिए, जिसका नाम है त्रिवेणी छात्रावास। ये देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और अब मैं आपको ले चलती हॉस्टल नंबर 3 के सामने। ये देखिए, आपको राइट साइड में वाइस चांसलर का घर मिल जाएगा। ये देखिए, ये उनका पार्क है। और ये जो आपको व्हाइट कलर की बाउंड्री दिख रही है, उन्हीं के घर की बाउंड्री है। ये देखिए, और ये हॉस्टल नंबर 3 की बाउंड्री है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हॉस्टल नंबर 3 के सामने। ये देखिए, ये हॉस्टल नंबर 3 है। ये देखिए, जिसका नाम है सरस्वती छात्रावास। वाओ, इट्स लुक लाइक पैलेस। वाओ, बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना स्पेसियस है। यहाँ पे आप सुबह योगा भी कर सकते हैं, आप ग्राउंड में बैठ कर पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप खेल भी सकते हैं, बहुत ही स्पेसियस है। ये है यूनिवर्सिटी का 3 नंबर हॉस्टल।
ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी गिलहरियाँ हैं, यहाँ पे खेलती रहती हैं यहाँ पे ये। कभी कभी तो रूम के अंदर भी एंटर कर जाती हैं अगर खिड़की खुली रहती है तो। ये है हॉस्टल नंबर 3 यूनिवर्सिटी का, और मैं आपको ले चलती हूँ हॉस्टल नंबर 3 के अंदर। मैं दिखाती हूँ हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे डॉगी है एक, वाओ सो रहा है बेचारा। ये देखो ये भी, पहले आपको ये हॉल दिखेगा हॉस्टल के अंदर एंटर करने के बाद, फिर आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, ये आपको रास्ता मिलेगा रूम के अंदर जाने का। ये देखिए अंदर से कैसा दिखता है हॉस्टल, और ये भी आपको रास्ता मिलेगा। और इधर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप, जो आपको सामने बड़ा सा दरवाज़ा दिख रहा है, ये हॉस्टल का मेस है। यहाँ पे सारी स्टूडेंट्स खाना खाने के लिए आती हैं। ये देखिए सबके रूम, ये पूरा हॉस्टल 2 फ्लोर का है। अब हम आपको ले चलते हैं हॉस्टल के अंदर। एक्चुअली मैं भी इसी हॉस्टल में रहती हूँ और मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ। मैं आपको ले चलती हूँ अपने फ्लोर पर, दिखाती हूँ अपना रूम दिखाती हूँ मैं। ये हम सीढ़ी से चढ़ते जाएंगे, ये आप आ गए 1st फ्लोर पे। मैं आपको थोड़ा सा 1st फ्लोर का भी दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए देखिए बहुत ही बड़ा हॉस्टल है। एक्चुअली मैं दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं ये पहुँच रही हूँ अपने फ्लोर पर जहाँ मेरा रूम है। ये देखिए मैं पहुंच गई, ये मैं आ रही हूँ अपने रूम के सामने और मैं पहुंच गई अपने रूम पे। और ये है मेरा रूम, यहाँ पे 2 बेड हैं। ये देखिए अब मैं जा रही हूँ बालकनी की तरफ। ये देखिए हम, ये बालकनी है, हम यहीं पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। यहाँ पर हम बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, सारी गर्ल्स गॉसिप भी करती हैं यहीं पर आके। ये देखिए हम इसी चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और ये बालकनी के सामने मेरी फ्रेंड का रूम है, मैं दिखाती हूँ सब क्या कर रही हैं इस टाइम। ओ हाय हाय, ये देखो कोई बात कर रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, ये सब होता है हॉस्टल में। पर पढ़ाई कोई नहीं कर रहा अभी दोपहर के टाइम में। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हॉस्टल में रूम में कितने लोग रहते हैं। यहाँ हॉस्टल के रूम में 2 लोग को रखा जाता है, और हॉस्टल के रूम के साथ 2 बेड मिलता है, और कबर्ड तो मिलता ही है, और 2 चेयर 2 टेबल। और फीस, रहने की फ़ीस अभी इस टाइम की 2021 में रहने की फ़ीस 28,000 है पूरे साल की, और खाने की फ़ीस 21,000 है पूरे साल की। और खाने का क्या है शेड्यूल, सुबह नाश्ता, सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है 8 से 9:30 के बीच में, फिर देन लंच मिलता है 1 से 3 के बीच में, देन शाम का नाश्ता मिलता है 5 से 6 के बीच में, और फिर डिनर होता है हमारा 8 से 9:30 के बीच में। और जब अगर आप किसी का, आपका किसी कोर्स में एडमिशन हो जाता है, देन आप अप्लाई करते हो हॉस्टल के लिए, फिर आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है, कोई सा भी हॉस्टल, या फिर आप अपने मन से भी चूज़ कर सकते हो कि हमें किस हॉस्टल में जाना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे 4 हॉस्टल हैं, और चारों ही अच्छे हैं। चारों का नज़ारा ही, जैसे आपको मैंने 3rd हॉस्टल के अंदर का नज़ारा दिखाया, बिल्कुल वैसे ही नज़ारा चारों हॉस्टल के अंदर का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइमिंग की, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इस हॉस्टल में शाम को 6 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और अगर आप बाहर चले गए हैं तो आपको 7 बजे तक हॉस्टल में एंट्री कर लेनी होती है, नहीं तो फिर घर पे फ़ोन जाता है, घर पे कॉल जाती है। अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं एक्चुअली इसी यूनिवर्सिटी में रहती हूं, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी जानना है आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। वैसे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग तो रहना है कि मैं हॉस्टल लाइफ दिखाऊंगी, हॉस्टल लाइफ होती कैसे, गर्ल्स हॉस्टल लाइफ बहुत ही मज़ेदार होती है। तो फिर चलते हैं हम, टाटा बाय बाय, अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, और फिट रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।